हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में। डाइस के डाइस लिखा है, डाई लिखा है, एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में हिंदी में पासा बोलते हैं इसे। तो हम कार्ड्स पढ़ चुके हैं, कॉइन्स पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको जो है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और मैं उसमें थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कंसेप्ट में। अब इसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो एग्ज़ाम में आया वो भी हम करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट आप ईजिली कर सकें। अब ये तो है नहीं कि जो मैंने न्यूमेरिकल करवाऊँ वही है भाई। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सिक्स साइडेड फेयर डाई है, ठीक है। फेयर डाई लिखा है, अनबायस्ड डाई लिखा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मतलब यही है कि सब के जो भी नंबर्स हैं उनके आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ मत हो जाना। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें अनबायस्ड ही लिखा हुआ है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो गए हों। जिन्हें आता होगा उन्होंने करा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन थे दोनों। पर अब जब आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में क्या करोगे आप। तो जब हम आपने देखा हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, जो डाइज होता है उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, कितनी गिनती लिखी होती है, छः लिखी होती है। तो जो हमारा सैम्पल स्पेस या हम बोले टोटल पॉसिबल आउटकम वो कितने हैं, सिक्स हो गए। और सबके आने की इक्वल चांसेस होते हैं यहाँ पे। अगर किसी ने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स क्या है, भाई सिक्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल तो सिक्स है और प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन बाय सिक्स। ऐसे फाइव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन बाय सिक्स ही है, क्योंकि फाइव एक ही बार आ रहा है, टोटल है सिक्स। फोर की भी वन बाय सिक्स, थ्री की भी वन बाय सिक्स, टू की भी वन बाय सिक्स और वन की भी वन बाय सिक्स। अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एक आपने फेयर डाइज रोल करा है तो इवन नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, तो टू फोर सिक्स, तो इवन नंबर कितने हो गए हमारे यहाँ, तीन। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, सिक्स, तो थ्री बाय सिक्स कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, वन बाय टू। क्लियर हुआ। इसी तरीके से प्राइम नंबर पूछ सकता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, टू थ्री फाइव, तो यहाँ भी पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तीन है। इसी तरीके से ऑड नंबर पूछ सकता है, तो ऑड नंबर कौन कौन से है, वन थ्री फाइव, या ऐसे पूछ सकता है मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है, मल्टीपल ऑफ टू। तो हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कराऊंगी ताकि आप लोग एग्ज़ाम में ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। क्लियर हुआ ये कि जब वन डाई हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो कितने आउटकम आते हैं, सिक्स आते हैं, और सभी के आने की इक्वल जो है प्रोबेबिलिटी होती है सभी नंबर की। अब बात करते हैं टू डाइस की। अब जब दो डाइस उछलते हैं तो बारह मत सोच लेना, कितने आउटकम्स बनते हैं, टोटल 36 आउटकम्स क्या होते हैं, 36 टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, 36। भाई दो डाइज आप क्या करोगे, थ्रो करोगे, ठीक है, दो डाइज आपने थ्रो करोगे, क्या पता इस पर वन आए, इस पर सिक्स आ जाए, ठीक है, इस पर टू आए, इस पर फोर आ जाए। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ये हमारा पहले डाइस के नंबर हैं और ये दूसरे डाइस के नंबर हैं, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट। तो ये पहले डाइस के हैं और ये दूसरे डाइस के हैं, तो हमने पहले डाइस पे बनाया तो दूसरे पे भी बना गया। ऐसे वन के साथ हमने सिक्स तक ले लिए कि पहले के साथ वन आया फिर वन आया, वन के साथ फिर टू आ गया, वन के साथ थ्री, वन के साथ फोर, वन के साथ फाइव, वन के साथ सिक्स। फिर इसी तरीके से टू के साथ एक बार वन आ गया, टू के साथ एक बार टू आ गया दूसरे डाइस पे। इसी तरीके से हमारे जो हैं ये सिक्स मतलब 36 आउटकम जो हैं क्रिएट होते हैं। क्लियर हुआ कि भाई एक डाइस उछाला, मान लीजिए इस पर सिक्स आ गया, इस पर वन आ गया, वन या यहाँ पे वन आ गया, यहाँ सिक्स आ गया, तो प्रोबेबिलिटी वही रहेगी ना, सिक्स वन लिखे हम, सिक्स टू, सिक्स के साथ टू आ गया, एक बार सिक्स के साथ थ्री आ गया, एक बार सिक्स के साथ फोर आ गया, तो टोटल कितने आउटकम्स बने हमारे, 36। अब इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ कि जो डबल वाले हैं, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, इन्हें हम डबलेट्स के नाम से बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया गया कि टू ड्राइज जो हैं थ्रो करे गए हैं तो डबलेट्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, 36। तो सिक्स वन बाय सिक्स आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और वन टू टू वन, ये क्या आ गए, डिफरेंट आउटकम्स होते हैं भाई। यहाँ पे कितना है, वन टू आ गया, और यहाँ पे कितना है, टू वन, इन्हें क्या बोलते हैं हम, डिफरेंट आउटकम्स। अब एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया एक टू, अब भाई आपने दो सिक्स साइडेड फेयर डाइस को रोल करा है तो हमें बताना है कि जो सम है, भाई बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि जो सम है आउटकम्स पे जो आएगा वो कितना आएगा, 10 है, ग्रेटर देन 10 आएगा। अब यहाँ पे सम भी पूछ सकते हैं और आपसे स्क्वायर भी पूछ सकते हैं, स्क्वायर रूट बन रहे हैं, तो कई तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहाँ एग्ज़ाम में बनते हैं। तो अब देखो, अब उसने पूछा ग्रेटर देन 10, अब ग्रेटर देन 10 हम चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। अब ग्रेटर देन 10 किन का सम आ रहा है, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर दूँ।
अब वन और अब देखो यहाँ पे, वन और वन कितने हो गए? टू। भाई ये तो 10 से तो बड़ा है नहीं। हम देखते हैं 6 और 1 कितने हो गए? 7। ये भी नहीं बन रहा 10 से। 6 और 5 कितने हो गए? 11। ग्रेटर देन 10 हो गया। 6 और 6 ग्रेटर देन 10 हो गया। 5 और 6 ग्रेटर देन 10 हो गया। ठीक है, 6 4 10। भाई इक्वल टू तो नहीं पूछा हमसे, 10 है हमसे तो ग्रेटर देन 10 पूछा है। 5 5 10 हो गए। ठीक है, अब बाकी सारे जो हैं 10 से छोटे हैं, तो कौन कौन से? 6 5 6 6 और 5 6, ये 3 आउटकम्स हैं यहाँ जिनका जो सम है वो क्या है? ग्रेटर देन 10। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे कितने आउटकम्स हो गए हैं? 3 आउटकम्स हो गए। तो ये करेक्ट कर लेना ज़रा यहाँ पे, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ये। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये 3/36 है। तो 3/36 कितना हो गया? ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 3 1 3 और ये 1/12, तो ये 1/12 है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना। 3/36, कहीं आप सोचो 3/36 और 1 1 2 क्या है ये? तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 3/36 है और ये आंसर हमारा कितना आ गया कैंसिल करके? 1/12। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको धीरे धीरे जो है क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करना सीख जाएंगे। अगर आपका मैथ्स वीक है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस देखना, इजीली आपको समझ में आने लगेगा। इस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।